निगम भिलाई की टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्यवाही करते हुए नंदनी रोड शराब दुकान के पास चखना सेंटर लगाने वालों को हटवाया। नंदनी रोड स्थित शराब दुकान के आसपास खुले में अहाता लगाकर चखना सेंटर संचालित किया जा रहा था। नगर निगम की टीम वहां पहुंची और सभी चखना सेंटरों को वहां से खाली कराया। इसके साथ ही इन दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर भी कार्यवाही की गई। निगम भिलाई आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने सड़क बाधा, यातायात प्रभावित करने, कचरा फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर विशेष तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में गुरुवार को निगम भिलाई की टीम अपने दल बल एवं आवश्यक संसाधनों के साथ नंदनी रोड शराब दुकान के पास पहुंची और चखना सेंटर को हटाते हुए रास्ते को खाली कराया। इधर नेहरू नगर जोन अंतर्गत सड़क बाधा करते हुए व्यवसाय करने वाले योगेश कुमार देवांगन से 2,000 रुपये एवं आर्य नगर कोहका रोड पर व्यवसाय करने वाले मोहन साहू से 5,000 रुपये सड़क बाधा शुल्क लिया। गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश निगम को दिए हैं। इसी तारतम्य में निगम प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। देखिए, समय समय पर जो है हम लोग प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करते रहे। ज़्यादातर देखने में आता है कि जो चखना सेंटर होते हैं वहाँ पे बहुत आयत मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होता है, विक्रय होता है। इसको देखते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने एक बार बैठक ली थी और बैठक लेकर जो है उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि ऐसे स्थानों से जो चखना सेंटर हैं, जो शराब भट्टी के पास में जो रहते हैं, उनको आप टारगेट करें और बड़े लोगों को टारगेट करें, जो निर्माता है, होलसेलर इसके होते हैं, उनको सूचीबद्ध करें, उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तारतम्य में जो है हाल ही में लाखों का जुर्माना वसूल किया गया था और बहुत सारे प्रतिबंधित प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किए गए थे। आगे इसी पे जो है अहाता जो लगाते हैं, जो नंदनी रोड है, काफ़ी व्यस्तम रोड है और इस मार्ग से होकर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो भी गुजरते हैं, बड़ी वाहनें गुजरती हैं। अहाता लगाने से जो है वो सड़क बाधा भी हो रहा था, दूसरी दुर्घटनाएं संभावनाएं बढ़ती थी और इसके अलावा जो प्रतिबंधित प्लास्टिक भी उनके द्वारा विक्रय किया जाता था, इसको लेकर समुचित कार्रवाई की गई है। निगम की टीम गई और जो ऐसे खुले में जो अहाता बेचते थे, जो रखते थे, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते थे, विक्रय करते थे, उन पर कार्रवाई की गई, उनको हटाया गया। सर, और भी शराब दुकानें हैं, और भी चखना सेंटर, क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इन पे टारगेट लेकर कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए जो है कार्य विभाग से समन्वय भी स्थापित किया जाएगा ताकि ऐसे लोगों पर जो प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय कर रहे हैं और पर्यावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई। भिलाई निगम द्वारा लगातार किए जा रहे कार्रवाइयों से भिलाई की सुंदरता में 4 चांद लगते जा रहे हैं। जरूरी होगा कि आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी सहभागिता इस अभियान में प्रदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।